सावधान यात्रीगण, कृपया ध्यान दें। बिहार में अब आ रही है कोरोना सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन। जी हाँ, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कौन सी नई ट्रेन है, तो आपको बता दें कि जिस तरीके से अन्य राज्यों से लगातार लोगों का पलायन बिहार तक हो रहा है, कई सारी नई स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की शुरुआत भी की गई है। खास करके महाराष्ट्र की बात की जाए तो वहां से आने वाले यात्रियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में अगर चार स्पेशल ट्रेनों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में जो चार ट्रेनें आई हैं उनमें 2407 यात्रियों का कोरोना टेस्ट किया गया और उनमें करीब 56 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो एक तरफ जहां बिहार में पहले से ही आंकड़ों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इस कोरोना सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में भी आए हुए यात्रियों में लगातार कोरोना की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर ये बात स्पष्ट होती है कि एक तरफ जहां पहले से बिहार में जो भी लोग हैं उनको लेकर भी आंकड़े सामने आ रहे हैं, तो दूसरी ओर जो पलायन करके लोग बिहार तक आ रहे हैं, इससे पहले की भी अगर तस्वीर को याद करें, यानी कि साल 2020 में जब कोरोना ने पहली बार हम सभी के बीच दस्तक दी थी, उस दौरान भी अचानक से लॉकडाउन की खबर हो या फिर प्रवासियों के आने की बात करें, तो प्रवासी मजदूर लगातार बिहार में पलायन तो कर रहे थे और उनकी ही वजह से कहीं ना कहीं राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग भी इस बात की पुष्टि कर रही थी कि कोरोना के मामलों में इजाफा उनकी वजह से ज़्यादा हो रहा है। अब ऐसे में अगर आपके भी घर में कोई बाहर से आ रहा है तो आप सबसे पहले उनके लिए कोरोना जांच जरूर करवा लें, ताकि आपका परिवार स्वस्थ रहे, सचेत रहे, सतर्क रहे, ताकि आपका परिवार स्वस्थ रह सके। लेकिन इन सब के बीच आंकड़े क्या कुछ बताते हैं, किस प्रकार इन ट्रेनों में उतरे हुए यात्रियों में कोरोना पॉजिटिव की संख्या कितनी है, कौन कौन सी ट्रेनें वापस बिहार आ रही है दूसरे राज्यों से, पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। अगर आपके पास भी कोई बाहर से आया है तो सावधान हो जाए। यात्रा के दौरान और सार्वजनिक स्थानों पर भी अलर्ट रहें। पटना में चार ट्रेनों से आए 2407 यात्रियों में 56 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन 56 के संपर्क में आने वाले यात्रियों में भी संक्रमण का खतरा है। हालांकि प्रशासन ने बाहर से आने वाले सभी यात्रियों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने का कड़ा निर्देश दिया है, लेकिन ऐसे लोग कब कहां किससे मिल जाए इसका ठिकाना नहीं है। ऐसे में हर किसी को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन हर हाल में करना चाहिए। देश के कोरोना प्रभावित शहरों में ट्रेनें पटना आ रही है, इसमें महाराष्ट्र के साथ अन्य प्रदेश शामिल है। महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण काफ़ी तेजी से फैल रहा है, ऐसी कोई भी ट्रेन नहीं जिसमें यात्रियों के रिपोर्ट पॉजिटिव ना आती हो। प्रशासन ट्रेनों से आने वाले यात्रियों की हर हाल में जांच कराने के साथ उन्हें आइसोलेट कराने की पूरी ताकत में लग गया है। हर दिन बिहार से आने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है जिनमें कोरोना की पुष्टि हो रही है। अगर ट्रेनों की बात की जाए तो पुणे दानापुर स्पेशल ट्रेन 01401 से दानापुर में कुल 702 यात्री आए। प्रशासन ने सख्ती के साथ सभी की जांच कराई और जांच में करीब 17 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। कुर्ला पटना स्पेशल ट्रेन में 9 लोग संक्रमित पाए गए। कुल 576 यात्री थे, उनकी कोरोना जांच जब कराई गई तो उनमें से 9 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। LTT पाटलिपुत्र स्पेशल ट्रेन को दानापुर में चेक किया गया। इस विशेष ट्रेन में कुल 803 लोग सवार थे। प्रशासन ने एक एक करके सभी यात्रियों के एंटीजन किट से जांच कराई। जांच में 24 यात्रियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 3 दिनों में बाहर से आई स्पेशल ट्रेनों में 97 पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रशासन ने अब तक 6 ट्रेनों के सभी यात्रियों की जांच कराई है जिनमें 97 पॉजिटिव पाए गए। 9 अप्रैल को 24 यात्री पॉजिटिव पाए गए थे, 10 को 17, फिर 4 ट्रेनों में 10 अप्रैल की रात तक 56 यात्रियों के रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यानी कि लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों में इजाफा हो रहा है और जिस तरीके से यात्री दूसरे राज्यों से बिहार तक लौटकर वापस आ रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, ऐसे में राज्य सरकार ने ये एक अहम निर्णय लिया है कि तमाम जो यात्री होंगे उनकी 100% जांच की जाएगी, कोई भी छूटने ना पाए, इस बात की जिम्मेवारी राज्य सरकार ने उठाई है। और यही वजह है कि लगातार जब ट्रेन स्टेशन पर रुक रही है सभी यात्रियों की जाँच की जा रही है और जाँच में
अभी तक के अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो चार स्पेशल ट्रेनों में 56 यात्री पॉजिटिव पाए गए हैं। यानी आंकड़े इस बात का संकेत दे रहे हैं कि हमें अब ज्यादा सजग सतर्क रहने की जरूरत है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप खुद को और अपने परिवार को जरूर ही एक मुश्किल में डाल देंगे। तो आंकड़े इस बात को स्पष्ट करते हैं कि अब हम सभी को ज्यादा सचेत और सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर अब आप ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने परिवार और साथ ही साथ अपने समाज को एक बड़ी मुसीबत में डाल देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।